हेलो फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस। क्योंकि आज क्रिसमस है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक केक की रेसिपी शेयर करूं। तो ये जो केक है वो क्रिसमस स्पेशल केक है, जिसे हम कहेंगे रेड वेलवेट प्लम केक। तो मैं आज आप लोगों के साथ रेड वेलवेट प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले मैंने एक बोल में एक कप जूस लिया है, ऑरेंज जूस। उसमें काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का और टूटी फ्रूटी को मैंने सोक करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, मिल्कमेड या मिठाई मेड, खाने का लाल रंग, जूस, मैदा, बेकिंग सोडा, ये रेड वेलवेट आइसक्रीम है, बटर और आइसिंग शुगर। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक छन्नी ले लेंगे और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको एक साथ इस छन्नी में डालेंगे। पहले मैंने ये मैदा डाला, इसमें मैं 1 चम्मच कोको पाउडर डालूंगी। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा छान लेंगे। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान कर एक साथ रख लिया है। अब मैं एक दूसरा बोल लूँगी और इसमें सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलाऊंगी एक करके। सबसे पहले मैं ये मैंने 100 ग्राम बटर ले लिया है बोल में, और इसमें मैं अब ये कंडेंस्ड मिल्क मिला दूँगी। अब मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क को मैं अच्छे से मिला लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क को। अब इसमें मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स सोक किए हुए हैं जूस में, ये सारा डाल दूँगी। अब ये जूस जिसमें कि ड्राई फ्रूट मैंने सोक करके रखा था वो मैंने मिला दिया है, इसमें एक मिक्सचर बना लिया है, अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें मैं धीरे धीरे ये जो मैदा का जो मैंने छान के रखा था मैदा कोको पाउडर वो मैंने डाल दिया। इसे अब मैं धीरे धीरे ऐसे फोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स, तब तक हम अपने जो ओवन है उसको प्रीहीट कर लेंगे। ये कन्वेक्शन मोड मैंने 180 डिग्री सेट किया, इसे मैं प्रीहीट कर रही हूँ। इधर मैंने ये मिक्सचर को हल्के हाथों से फोल्ड करके मिला लिया है। इसमें अब ये एडिबल रेड कलर डाल रही हूँ। अच्छे से मिला लें। देखिए ये कलर डालकर मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें मैं अब 4-5 बूंद वेनिला एसेंस के डालूंगी। और अब इसमें मैं ये मिक्सचर में रेड वेलवेट आइसक्रीम डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिला लें। अब इस मिक्सचर में हम थोड़ा सा लेमन जूस या फिर विनेगर डाल देंगे। मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ये केक टिन को मैंने अब ग्रीस करके रख लिया है। इसमें मैंने बटर से ग्रीस करके और थोड़ा मैदा डैश किया है। इसमें मैं अब ये मिक्सचर डाल दूँगी। केक को अब हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स ना आ जाए नीचे। फ्रेंड्स, ओवन अब रीहीट हो चुका है तो इसमें मैं केक को डाल दिया। और अब मैंने 30 मिनट के लिए 180 डिग्री पर सेट कर लिया है ओवन को। अब इसे स्टार्ट कर दूंगी।
जब तक केक बेक हो रही है तब तक मैं फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ये आइसिंग शुगर 1 कप लिया है, इसमें मैं लगभग 50-60 ग्राम बटर डालूंगी। इस फ्रॉस्टिंग के मिक्सचर को मैं अच्छे से फेंट लूंगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। 30 मिनट हो गए हैं और ये केक बनकर अब देखिए बिल्कुल तैयार है। ये केक को मैंने बाहर निकाल लिया ओवन से, अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसकी आइसिंग करूंगी। देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल रेड और बहुत ही फ्लफी और बहुत ही अच्छी फ्रूटी स्मेल आ रही है इससे। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये केक को केक टिन से बाहर निकाल लिया है। देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, सारे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में, बहुत ही टेस्टी भी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब जो मैंने ये मिक्सचर बना के तैयार रखा है फ्रॉस्टिंग के लिए, उससे मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। अब केक को मैंने पलट लिया है और अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। ये सारा इस पर आप डाल दें मिक्सचर और फिर इसे फैलाएं, इसे अच्छे से फैला लें। ये मैंने केक की आइसिंग कर दी है, अब इसके ऊपर मैं रेड वेलवेट केक के ही कुछ क्रम्स डाल दूंगी। देखिए ये केक बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसमें कि आप बहुत इजीली केक बना सकते हैं। तो ये यमी क्रिसमस केक तैयार है और आप इसे खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।